कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लाल जी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमर पाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बहुत ध्यान दिया अध्ययन पर, और इतना अच्छा अध्ययन कराया कि बड़े बड़े ग्रंथ प्रातःकालीन बेला में गर्मी के समय में, गर्मी का समय जल्दी सूर्योदय हो जाता है, तो प्रातः 5:30 से प्रारंभ हो जाती थी पढ़ाई, और लगभग शाम को 6 बजे तक पढ़ाई रहती थी। बीच में जंगल का समय, आहारचर्या का समय और सामयिक का समय, इतना ही फ्री समय अपने आवश्यक करने के लिए रहता था। सामयिक, आहारचर्या, इसके अलावा कहीं कोई समय निश्चित नहीं। स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज जी पढ़ाते, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ाया, न्याय के ग्रंथों को पढ़ाया, संस्कृत व्याकरण पढ़ाई, अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ाया, कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को विशेष पढ़ाया, ज्योतिष के ग्रंथों का भी थोड़ा थोड़ा परिचय दिया, अध्ययन कराया। साधना में और क्या आवश्यक हो सकते हैं, विशेष बिंदुओं का मार्गदर्शन दिया, और इस तरह से न्याय को लेकर के, दर्शन को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के, आगम को लेकर के विभिन्न विभिन्न समयों में अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया। सबसे कठिन और मुश्किल स्थिति ये थी विद्यासागर जी महाराज की कि ब्रह्मचारी अवस्था से ही उन्हें हिंदी को स्पष्ट बोलने में और समझने में कठिनाई महसूस होती थी, लेकिन लगभग 1-2 वर्ष उत्तर भारत में आने जाने में हिंदी को भी पकड़ना शुरू कर दिया था, और इस तरह से ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं पढ़ाते और एक एक 1.5-1.5 घंटे पढ़ते, और कोई समाज का, कोई बाहर का उन दिनों में कोई काम नहीं, आने जाने वालों को सामान्य से मार्गदर्शन, आशीर्वाद और अध्ययन का क्रम। यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में आहारचर्या संपन्न हो गई तो उसके बाद भी लगभग सामयिक के पहले 1 घंटे तक पढ़ाई करा देते थे, और प्रतिदिन पढ़ो और तैयार भी करो, प्रतिदिन पढ़ो और तैयार भी करो। कई बार गुरुवर स्वयं बताते कि मैं निवेदन करता महाराज जी से कि महाराज जी पूरा विषय अभी याद नहीं हो पा रहा और पकड़ में नहीं आ पा रहा, तो ज्ञान सागर जी कहते इसकी चिंता तुम मत करो, आप समझते चलो और इसे पूरा समझने में और पूरा याद करने में तो टाइम लगेगा, अभी जो समय है मैं पढ़ा रहा हूँ और आप केवल पढ़ते जाओ, बाद में सब आपको स्पष्ट होता जाएगा। और ऐसा करते हुए अध्ययन प्रारंभ हुआ। आसपास के गांव वगैरह में भी विहार करते रहे। उन दिनों में लगभग ज्ञान सागर जी महाराज का जो समाधि संलेखना के पहले और आचार्य की दीक्षा के समय के स्थान थे, वो अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद और आसपास के छोटे छोटे गांव वगैरह में ही विशेष समय उनका बीतता था। लगभग 2 बरस अजमेर में निकले चतुर्मास के, और 2 बरस किशनगढ़ में निकले। कुछ काव्य कविताएं भी हिंदी भाषा में बनाना अपने गुरुवर ने शुरू कर दिया था, और वो आज भी उपलब्ध हैं प्रारंभिक रचनाओं के रूप में, जैसे कि मुक्तक शतक लिखा, जैसे कि स्तुतियों के रूप में शांति सागर जी, वीर सागर, शिव सागर महाराज जी, ज्ञान सागर जी महाराज जी की स्तुतियाँ हिंदी में लिखी, संस्कृत में शारदा स्तुति लिखी, अनेक उस समय भजन वगैरह भी छोटे छोटे लिखे, जैन धर्म के
20 मंत्र के नाम से भी एक बहुत सरल पद्यों का एक 20 पद का एक खंड जैसा बनाया। ऐसे करके रचनाएं लिखना भी शुरू की, हिंदी लिखना शुरू की, बोलना भी शुरू किया। और प्रारंभिक समय में कुछ पद्य वगैरह बना लेते थे और उनका आधार बना करके फिर आचार्य श्री अपना प्रवचन दिया करते थे, ऐसा आचार्य श्री संघ में हम लोगों को बताते थे। इस तरह स्वाध्याय चलता रहा। ज्ञान सागर जी महाराज जी को जीवन उनका ज्ञान आराधना में निकला था, बड़े बड़े ग्रंथ उनको कंठस्थ थे। एक संदर्भ आता है अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का। अष्ट सहस्त्री ग्रंथ न्याय का वो ग्रंथ है कि बड़े बड़े चोटी के विद्वान भी उस अष्ट सहस्त्री को कष्ट सहस्त्री कहते हैं। अष्ट सहस्त्री नहीं, वो बड़े बड़े चोटी के विद्वान भैया ये ग्रंथ न्याय का कष्ट सहस्त्री है। और ज्ञान सागर जी महाराज जी की यह स्थिति थी कि वह जब अष्ट सहस्त्री पढ़ते और पढ़ाते थे तो कहते थे ये ग्रंथ मुझे इतना प्रिय लगता है, मेरे लिए तो ये मिष्ट सहस्त्री है, मिष्ट सहस्त्री है। और ऐसी मिष्ट सहस्त्री को जब ज्ञान सागर जी ने मुनि विद्या सागर जी को पढ़ाना प्रारंभ किया तो उस समय पता लगाने पर प्रति उपलब्ध नहीं हुई। अब प्रति उपलब्ध नहीं तो ज्ञान सागर जी के ख्याल में था कि गृह नगर रानौली के मंदिर में अष्ट सहस्त्री रखी हुई है। जब रानौली में वो ब्रह्मचारी अवस्था में रहते थे और मुनि अवस्था में आना जाना तो उस अष्ट सहस्त्री से अध्ययन करते थे, उसमें उनके निशान भी लगे हैं, ग्रस्तों को संकेत दिया रानौली के मंदिर में रखी है लेकर के आओ। वहाँ से अष्ट सहस्त्री आई, एक ही प्रति, पढ़ने वाले के पास भी होना चाहिए, पढ़ाने वाले के पास भी होना चाहिए। तो ज्ञान सागर जी ने कहा नहीं, एक ही प्रति से काम चल जाएगा, विद्यासागर जी को दे दो। विद्यासागर जी को प्रति प्रदान की, उसे पढ़ करके देख करके आचार्य श्री कहने लगे महाराज जी आपके पास तो प्रति नहीं। बोले नहीं नहीं, आप पढ़ना शुरू करो। ज्ञान सागर जी मौखिक बोलते जाते थे और मुनि विद्यासागर जी उस अष्ट सहस्त्री में ज्यों का त्यों मिलान करते जाते थे। खुद आचार्य श्री ने बताया संघ में हम लोगों को कितनी अद्भुत क्षमता ज्ञान सागर जी की। वो मौखिक सुना रहे हैं और विद्यासागर जी मिलान करते जा रहे, और पढ़ाते समय ज्ञान सागर जी ये भी बताते जाते थे कि देखो उस पेज पर हमारे पुराने निशान लगे हुए, वहां क्या लिखा है देखो, इस पेज पर हमने कुछ लिखा है, हमारे निशान पढ़ते समय के लगे हैं, आप उसमें देखो। ऐसा ज्ञान अद्भुत, तभी तो इतना ज्ञान ज्ञान सागर जी ने दिया और लेने वाले की क्षमता भी तो बड़ी रही। तभी तो चार पांच बरस में ही, बल्कि पांच बरस में क्या, आखिरी के बरस में तो पढ़ाई बंद हो गई थी, संलेखना की स्थिति बन गई, चार बरस में कितना प्राप्त कर लिया। चतुर्मासों के सन में 69 का चतुर्मास प्रारंभिक था, छोटे छोटे छंद हिंदी के काव्य कविता के रूप में बनाते रहे, इंग्लिश भाषा भी सीखी थी, एक माई सेल्फ करके इंग्लिश की कविता भी गुरुवर ने लिखी है जिसका हिंदी अनुवाद भी उन्होंने किया है, मैं स्वयं मेरा स्वभाव वितरागपना आदि आदि उसके भाव हैं। अजमेर का समय अजमेर के साथ व्यतीत हुआ, किशनगढ़ में पहुंचने पर भी संदर्भ बहुत अलग अलग बने। एक संदर्भ तो ऐसा है कि गुरुवर ज्ञान सागर जी अजमेर में विराजमान थे, उस समय वो मुनि अवस्था में ही थे। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी का संग आ रहा था। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी भी जानते थे ज्ञान सागर जी को, और ज्ञान सागर जी भी आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी को जानते थे। किशनगढ़ की समाज ने आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के संग की बहुत अच्छी अगवानी की। एक समय
उस समय ऐसा प्रसंग बना, मंच पर बैठने की बात आई, तो अब दोनों महाराज जी एक दूसरे को सम्मान का भाव दे रहे थे। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा, आप तपोवृद्ध महाराज हैं, आप मंच पर पहले बैठे। तो धर्म सागर जी महाराज जी खड़े थे, बोले, अरे आप ज्ञान वृद्ध महाराज हो, आप मंच पर पहले बैठे। उन्होंने कहा, आपने हमारे गुरु वीर सागर जी महाराज जी के संग में पढ़ाया है, मैंने भी प्रारंभिक अवस्था में आपसे शिक्षण लिया है, आपने शिव सागर जी महाराज जी के भी संग में पढ़ाया है, शिव सागर आचार्य महाराज से आपने मुनि दीक्षा ली है, आप ज्ञान वृद्ध हैं, आप पहले विराजमान हो। उन्होंने कहने, नहीं नहीं आप तपोवृद्ध हैं। अच्छा, तप उपवास आदि साधना धर्म सागर जी करते थे, आप तपोवृद्ध हैं, आप पहले विराजमान हो। धर्म सागर जी बोले, नहीं नहीं आप ज्ञान वृद्ध हो, आप पहले विराजमान हो। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, चलो भाई दोनों वृद्ध हैं तो दोनों एक साथ ही विराजमान हो जाएं। दोनों बैठ गए, विराजमान हो गए, प्रवचन प्रारंभ हुआ। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बोलना शुरू किया। प्रवचन में ज्ञान सागर जी महाराज बोले, अरे लोग ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, अकेले ज्ञान से होता क्या है? अरे जब तक धर्म नहीं हो, ज्ञान की कोई कीमत नहीं। क्या कहने लगे? जब तक धर्म नहीं हो तो ज्ञान की क्या कीमत है? अब यहां सिद्धांत भी बता दिया और वहां धर्म सागर जी और ज्ञान सागर जी की बात भी जुड़ गई। जब तक धर्म नहीं हो, ज्ञान की क्या कीमत है? ऐसा कहके उन्होंने बहुत प्रसन्न भाव प्रकट किया। जब धर्म सागर जी महाराज जी का प्रवचन हुआ, उन्होंने भी प्रवचन सुनाते हुए अंत में कहा, अरे धर्म धर्म की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन जब तक धर्म को ज्ञान ना मिले तो धर्म की भी क्या कीमत है? धर्म का क्या महत्व है? धर्म का महत्व तो ज्ञान से ही बढ़ता है। यहाँ ज्ञान सागर जी कह रहे हैं ज्ञान का महत्व धर्म से बढ़ता है, वहाँ धर्म सागर जी कह रहे हैं कि धर्म का महत्व ज्ञान से बढ़ता है। ऐसा अद्भुत रोचक और प्रेरक प्रसंग किशनगढ़ में घटित हुआ। किशनगढ़ के पुराने लोग बार बार सभी जगह इस बात का उल्लेख करते पाए गए कि अद्भुत क्षण थे वो, जब हमने दोनों संघों के लिए बहुत भावभीना स्वागत किया। इस तरह से ऐसे संदर्भ अनेक घटित हुए हैं। आज के समय में ऐसे सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलते हैं। और जिस नगर में इस वर्ष मनाया जा रहा हो, वो नगर तो धन है, नगरवासी भी धन है, लेकिन जिन नगरों में गुरुवर उपस्थित हो जाए, जिस नगर में, उसकी बात क्या कहनी है। जहां जहां भी देश में आचार्य तो सब जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर उनके द्वारा दीक्षित पिछीधारी भी जिस नगर या जिस क्षेत्र पर विराजमान हो और वहां आषाढ़ शुक्ला पंचमी मनाई जाए, तो वो नगर भी कम सौभाग्यशाली थोड़ी माना जाएगा। इस मायने में बागीदोरा वाले भी भाग्यशाली तो हैं ही, क्योंकि उन्हें वह दिन संयम स्वर्ण महोत्सव के समापन बेला में मनाने के रूप में तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि अभी पूरे भारत में कहीं पर भी प्रवचन श्रृंखला संत शिरोमणि के रूप में नहीं चली है, जो बागीदोरा में ही चली है। गुरुवर आचार्य श्री के वो तीन वर्ष चार वर्ष गुरुवर के चरणों में बड़े ही समर्पण के साथ आत्म साधना करते हुए, रत्नत्रय की आराधना करते हुए स्वाध्याय मनन चिंतन में बीते। फलश्रुति ये हुई कि प्रारंभिक वर्षों में गुरुवर ने जो भी अपना काव्य कविता का लेखन प्रारंभ किया, उसका लाभ वह समाज को प्रवचनों में माध्यम बना करके देते थे। कल्याण मंदिर स्तोत्र का पद्यानुवाद भी गुरुवर ने सन 1971 के चतुर्मास में किया। एक ही भाव स्तोत्र का भी पद्यानुवाद सन 1971 के चतुर्मास किशनगढ़ में किया। समाधि तंत्र और योग सार का भी
पद्यानुवाद गुरुवर ने सन 71 के चातुर्मास में ही किया, ऐसा प्रशस्तियां पढ़ने पर ज्ञात होता है। से साहित्यिक रचनाएं आगे बढ़ी, उनका समय और संदर्भ आगे बताएंगे। इस तरह गुरु चरणों में समर्पित शिष्य की तरह रह करके विद्यासागर जी अपने गुरु मुनि ज्ञान सागर जी की छाया बन करके रहे। छाया शरीर से कभी दूर नहीं होती है और ऐसी छाया बन करके रहे। सेवा करने का भाव बहुत रहा, सेवा करना प्रारंभ भी किया। प्रारंभिक वर्षों में ज्ञान सागर जी ने सेवा नहीं कराई, ब्रह्मचारी अवस्था में भी सेवा नहीं कराई। सेवा करने वाले बियावृत्ति करने वाले उनके गृहस्थ श्रावक परिचित थे, वो समय समय पर करते थे। कहा तो ये भी गया है कि प्रारंभिक दिनों में जब बिहार के समय ज्ञान सागर जी के साथ विद्यासागर जी बिहार करते थे तो कई बार ज्ञान सागर जी महाराज को बिहार में तकलीफ बहुत हो जाया करती थी। पैर में साइटिका थी, साइटिका में पैर में उनको बहुत दर्द आता था, बहुत तीव्र दर्द आता था। और बिहार करते करते कभी कोई असुविधा हो तो विद्यासागर जी बराबर उनके साथ ही रहा करते थे, पूरा ध्यान देते थे, चौबीसों घंटे ध्यान रखते थे। महाराज जी कहाँ पर हैं, महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत हो सकती है। और एक संदर्भ तो मैंने ऐसा भी पढ़ा कि एक जगह लंबी नदी में से निकलना था, रेत रेत बहुत थी। अब रेत में पैर फंसते हैं तो वृद्धावस्था में कैसे निकलें, जवान तो निकल जाए पर लंबा पार करना था। गर्मी बहुत थी, तप रही थी रेत। ऐसे समय में चलते हुए गुरुजी को देख करके ये अंदाज लगा कि इनको तकलीफ हो रही है, सहज नहीं हो रहा चलना। तो ऐसा लिखा कि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें अपने कंधों पर रख लिया और उस नदी के भाग को पार करा। कितनी गजब की सेवा, कितना अपने गुरु के प्रति समर्पण, कितना बड़ा त्याग। ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के जब तक गुरुवर की समाधि नहीं हुई, कहीं आने जाने का नाम नहीं, कहीं का कोई आकर्षण नहीं, जो है यही यहीं पर सब कुछ, ऐसा मान करके अपने गुरु के प्रति समर्पित भावों से स्वाध्याय और साधना में संलग्न रहे। और ऐसा गुरुवर का जीवन प्रारंभिक वर्षों में बीता। आज का संदर्भ निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के बाद से लेकर के प्रारंभिक वर्षों के स्वाध्याय साधना और काव्य लेखन आदि के रूप में यहाँ पर संपन्न हुआ। समय आपका हो गया है और यह श्रृंखला इसी क्रम से आगे बढ़ेगी शेष विशेष आने वाले दिनों में। आज यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लाल जी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमर पाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।